जी टीवी पर यूं तो कई ड्रामा शोज प्रसारित होते हैं, पर शायद उन सभी शोज में से किसी ने अक्सर बिटिया सीरियल को बराबर की टक्कर दी हो। और भला टक्कर दे भी कैसे, क्योंकि यही तो वो सीरियल था जिसमें कृष्णा राज नामक एक गरीब लड़की की कहानी दिखाई गई थी, जो अपनी गरीबी के चलते अपने सपनों को पूरा करने के लिए कई मुश्किलों का सामना करती है। और इसी शानदार कहानी को देख लोग काफी प्रभावित हो गए थे। तभी तो ये शो खूब पॉपुलर रहा था, जिसके चलते शो में नजर आए सभी कलाकारों ने इस शो के जरिए छप्पड़ फाड़ के कमाई की थी। और आज वो अपनी कमाई की बदौलत काफी महंगे महंगे घरों में रहते हैं, जो दिखने में सुंदर तो है ही, पर अगर आप उसकी कीमत के बारे में जानेंगे तो काफी हैरत में पड़ जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार कितने महंगे घर में रहते हैं वे कलाकार। नंबर वन, तान्या शर्मा। सीरियल में चंचल राज के रूप में तान्या शर्मा कृष्णा की छोटी बहन के किरदार में नजर आई थी, जिनके सादगी भरे किरदार से लोग काफी प्रभावित हुए थे। तो इस शो के जरिए ये अभिनेत्री काफी मशहूर हुई, जिसके चलते इन्होंने अपने कमाए हुए पैसों की बदौलत एक फ्लैट खरीदा जो कि लगभग 1.5 करोड़ का है। इनका ये आलिशान घर दिखने में वाकई बेहद खूबसूरत है, जिसमें लिविंग रूम, स्मॉल वर्कआउट रूम और बिगेस्ट हॉल जैसी हर फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई गई है, जिसकी हर एक चीज का कॉम्बिनेशन घर के अकॉर्डिंग ही है, जहाँ तान्या शर्मा काफी खुशहाल जिंदगी बिता रही है। नंबर टू, मोनिका खन्ना। सीरियल में कृष्णा की बड़ी बहन स्वाति राज के किरदार को निभाने वाली अभिनेत्री कोई और नहीं बल्कि टीवी की फेमस अभिनेत्री मोनिका खन्ना है, जिन्होंने सीरियल में एक नेगेटिव किरदार प्ले किया था और इस किरदार के जरिए खूब फेम और शोहरत हासिल की थी। तभी तो आज ये मुंबई के अंधेरी में 2 BHK फ्लैट में रहती है, जिसमें आपको हर तरह की फैसिलिटी देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ इन्होंने अपने घर को फ्लावर पॉट्स और सुंदर सुंदर सोफे सेट और झूमर से सजाया है। तभी तो आज इनका ये घर पूरे 3 करोड़ का है। नंबर थ्री, मीना मीर। वेल, इस सीरियल में काम करके प्रसिद्ध हुई अभिनेत्री मीना मीर सीरियल में सरस्वती विद्यापति राज यानी कि कृष्णा की माँ के किरदार में नजर आई थी, जिसे लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था और अपने दमदार किरदार से सभी का मन मोह लिया था। वहीं बात करें इस दमदार अभिनेत्री के लग्जरी हाउस के बारे में, तो मीना ने आज अपनी कड़ी मेहनत के दम पर आज अपना एक आलीशान घर खरीदा है, जिसकी कीमत तकरीबन 1 करोड़ है। बता दें कि इस घर को इन्होंने अपनी जरूरतों के हिसाब से डिजाइन करवाया है। साथ ही आपको इनके घर में हर तरह की फैसिलिटी देखने को मिल जाएगी, जो एक घर को परफेक्ट बनाती है। नंबर फोर, किंशुक महाजन। सीरियल में कृष्णा के पति पिंटू टुनटुन के किरदार में अभिनेता किंशुक महाजन नजर आए थे, जिन्होंने अपने इस किरदार को बखूबी निभाकर लोगों से खूब सुर्खियां बटोरी। लेकिन अगर बात करें इनके लग्जरियस हाउस के बारे में, तो ये मुंबई के एक आलीशान घर के एक लौते मालिक है, जिसे इन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर तकरीबन 3 करोड़ में खरीदा है। बता दें कि इस आलीशान घर की खूबसूरती तो लाजवाब है ही, साथ ही इस घर में हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई गई है, चाहे फिर बात शानदार गार्डन की हो या फिर कार पार्किंग की। इस घर में आपको हर तरह की चीज देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा इनका दिल्ली में भी एक सुंदर सा घर है। नंबर फाइव, मिताली नाग। वेल, सीरियल में कृष्णा राज के किरदार में नजर आई अभिनेत्री मिताली नाग को कोई कैसे भूल सकता है, क्योंकि यही तो वो अभिनेत्री है जिन्होंने अपने दमदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीता था। वही अगर बात करें इनके आलीशान घर की, तो आज इन्होंने अपनी इसी काबिलियत के दम पर 2 आलीशान घर खरीदे हैं, जिनमें एक घर नागपुर में है तो एक मुंबई में। वही मुंबई वाला इनका घर तकरीबन 2 करोड़ का है। बता दें कि इस घर को मिताली ने बेहद खूबसूरती से सजाया है, जिसकी हर एक दीवार में आपको फूलों की सेज और शानदार पेंटिंग देखने को मिलेगी, जिससे आलीशान घर की खूबसूरती और ज्यादा निखरती हुई नजर आती है। वेल, आपको इन कलाकारों में से किस कलाकार का घर सबसे ज्यादा प्यारा लगा, आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी मजेदार खबरों के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।